नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मसला। हरियाणा की मौजूदा सरकार के 26 अक्टूबर को 9 साल पूरे होने वाले हैं। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर के आसपास प्रदेश की राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। अगले 5 दिनों में प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आएगा। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चलेगा। कमियां और खामियां भी निकाली जाएंगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो नेता है वो आने वाले दिनों में रैलियां करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी रैलियां निकलने वाली हैं। 2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में रैली करेंगे। उससे पहले सीएम केजरीवाल 29 अक्टूबर को रैली करने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से नवंबर को यमुनानगर के रादौर में जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर भी हमलावर होंगे। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मंच साझा करने वाले हैं। वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का भी कहना है कि हमने ये फैसला लिया था कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे। इनमें से 3 सीटों पर रैली हम कर चुके हैं। 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की शहाबाद में जनसभा होने वाली है। इन जनसभाओं का भी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा। आपको बता दें कि राजस्थान में भी हमने रोड शो किए हैं, वहां भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा। इनेलो की तैयारी की अगर हम बात करें तो आगामी चुनाव को लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 16 अक्टूबर से परिवर्तन पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र, 27 अक्टूबर को जिंद जिले के उचाना क्षेत्र में इनेलो का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को हिसार जिले के आदमपुर में, 29 अक्टूबर को सिरसा जिले के एलानाबाद में और साथ ही 30 अक्टूबर को सिरसा जिले के डबवाली में और 31 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो जिंद जिले के नरवाना में परिवर्तन पदयात्रा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं और हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर के आसपास प्रदेश की राजनीति भी गरमाने वाली है, क्योंकि हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां भी शुरू हो गई हैं। अगर बात की जाए अगले 5 दिनों में प्रदेश में राजनीतिक पारे की, तो ये पारा चढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा। कमियां भी निकाली जाएंगी, खामियां भी निकाली जाएंगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक नेता आने वाले दिनों में रैलियां करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते कि आखिर कौन कौन सी रैलियां निकलने वाली हैं। अगर बात की जाए 2 नवंबर की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में रैली करेंगे और उससे पहले सीएम केजरीवाल 29 अक्टूबर को रैली करने वाले हैं और उनके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 नवंबर को यमुनानगर के रादौर में जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर हमलावर होंगे। और साथ ही उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मंच साझा करने वाले हैं। और वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान ने भी कहा है कि हमने ये फैसला लिया था कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जनसभा करेंगे, इनसे 3 सीटों पर रैली हम कर चुके हैं। और वहीं 5 नवंबर को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की शहाबाद में जनसभा होने वाली है। इन जनसभाओं का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा। राजस्थान में हमने रोड शो भी किए हैं, वहां भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा। अगर बात की जाए इनेलो की, तो आगामी चुनाव को लेकर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 16 अक्टूबर से परिवर्तन पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू किया। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र, 27 अक्टूबर को जिंद जिले का कार्यक्रम होने वाला है। और अगर 28 की बात की जाए तो 28 अक्टूबर को हिसार जिले के आदमपुर में, और अगर बात की जाए 29 अक्टूबर की तो सिरसा जिले के एलानाबाद और 31 अक्टूबर को जिंद जिले के नरवाना में परिवर्तन पदयात्रा कार्यक्रम है। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर के आसपास प्रदेश की राजनीति का जो रुख है वो बदलने वाला है और लगातार होने वाली रैलियां इस बात का प्रमाण भी हैं। जैसा कि आपको बताया कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, ये तीनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग प्रचार में जुट गई हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से तैयारियां लगातार जारी है, क्योंकि अभी एक साल का वक्त भी नहीं बचा है, कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं।
अब जनता किसका साथ देगी 2024 के महारण की बिछी बिसात में। अब ये तो देखना होगा, राजनीतिक दलों की रैलियों की बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है, और साथ ही अगर बात की जाए जनता की तो जनता किसको साथ देगी ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि लगातार जो पार्टियां हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी रैलियां शुरू करती हैं, और अगले 5 दिनों में प्रदेश में राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता नजर आएगा, और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, कमियां भी गिनाई जाएंगी, खामियां भी गिनाई जाएंगी, और साथ ही अभी जनता के हाथ में है कि वो किसको वोट करती है। अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की तो हरियाणा की मौजूदा सरकार के 26 अक्टूबर को 9 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं। इस उपलक्ष में हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर के आसपास प्रदेश की राजनीति भी गर्माने वाली है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा 1 नवंबर से प्रदेश में जन आक्रोश रैली भी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में अभी संगठन विस्तार को लेकर पेंच भी जो है वो फंसा हुआ है। बावजूद इसके भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रदेश की क्षेत्रों में विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पिछले दिनों जनसंवाद स्थापित करने में भी जुटे हुए थे। हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर के आसपास प्रदेश की राजनीति का रुख बदलने वाला है, और लगातार होने वाली रैलियां इस बात का प्रमाण भी हैं। आज का मसला भी हमारा यही है। हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री और कांग्रेस प्रवक्ता अंशवस इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो है मेरा वो बीजेपी से पहले होगा। आपको बता दें कि सत्यव्रत शास्त्री, आपसे यही सवाल है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार के 26 अक्टूबर यानी कि कल से 9 साल पूरे हो रहे, और वहीं 2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल में रैली करेंगे, तो क्या ये रैली 2024 लोकसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी? सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो अब आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि अभी सत्यव्रत शास्त्री जो हैं वो हमारे साथ अभी बने रहेंगे। ओकार सिंह से बात करते हैं जो कि प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी के। सर आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इनेलो पार्टी जो है उसको प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 16 अक्टूबर से परिवर्तन पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, तो क्या इनेलो की तैयारियां क्या परिवर्तन ला सकती हैं? सर आपको आवाज मिल पा रही है? आगे बढ़ते हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के जो हैं अंशवस उनसे बात करते हैं। सर आपको आवाज मिल रही है मेरी? अंश जी आपको आवाज आ रही है? हरियाणा की मौजूदा सरकार के 26 अक्टूबर को 9 साल जो है वो पूरे होने वाले हैं, और अगर बात की जाए अंशवत से कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर आपको आवाज आ रही? राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, कमियां और खामियां भी निकाली जाएंगी क्योंकि एक से बढ़कर एक नेता आने वाले रैलियों में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी रैलियां जो हैं वो होने वाली हैं। 2 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह करनाल में रैली करेंगे, और उससे पहले सीएम केजरीवाल 29 अक्टूबर को रैली करने वाले हैं, और उनके साथ में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे, और साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 नवंबर को यमुना नगर के रादौर में जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदेश की बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार पर हमलावर होंगे। और साथ ही उनके साथ अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मंच साझा करेंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह का कहना है कि हमने ये फैसला लिया था कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं करेंगे, और इनमें से 3 सीटों पर हम रैली कर चुके हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो जन आक्रोश रैली निकाली है, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 1 नवंबर से प्रदेश में जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं, तो क्या कितना प्रभावी रहेगी ये रैली? रैलियां है वो पूरी तरह से प्रभावित रहने वाली है जनता पर, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने अपना काम गिनाने वाली है, कांग्रेस गिनाने वाली है किस प्रकार से भाजपा की जो विफलताएं हैं वो गिनाने वाली है। हमने काम किया है तो जनता आज हमें देखना चाहती है, जनता आज हमें सुनना चाहती है। जनता भाजपा के जो झूठे जनसंवाद कार्यक्रम चलते हैं वो नहीं सुनना चाहती है। हमारा जो नेता रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष आपके समक्ष के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं और अब जो है जन आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। तो ये सारी जो रैलियां हैं यहाँ पर हम गिनाएंगे कि हमने किस प्रकार से, चाहे वो पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी की जैसे इंस्टीट्यूट खड़े करने की बात हो, या करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, या फिर मेट्रो जो है वो मैं फरीदाबाद से ताल्लुक रखता हूँ तो वो राजा नाहर सिंह तक लेकर जाने की बात हो, तो या फिर बजट बढ़ाने की बात हो। हमने स्टेडियम बनाए, 4 हमने थर्मल पावर प्लांट बनाए, 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, तो ये सारी जो चीजें हैं ये सारे काम हमने करे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा अपनी जो रैली है जिसमें जब अमित शाह जी आएंगे वो अपनी रैली में क्या गिनाने वाली है कि किस प्रकार से उनके शासनकाल में, जो 9 साल का शासनकाल है, वहां पर उनकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से डबल इंजन की स्पीड के साथ काम होने चाहिए थे, लेकिन डबल इंजन की स्पीड के साथ क्या हो रहा है वहां पर? करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा में डबल इंजन की स्पीड के साथ क्या बढ़ रहा है? हरियाणा में डबल इंजन की स्पीड के साथ बढ़ रही है बेरोजगारी, जो कभी रोजगार देने में अव्वल होता था हरियाणा, आज बेरोजगारी। आपसे अब हम प्रवक्ता बीजेपी जो है सत्यव्रत शास्त्री के पास जाते हैं। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि ये जो रैली है वो निकाली जा रही है 26 अक्टूबर को, जो है 9 साल पूरे हो रहे हैं इसके उपलक्ष्य में रैलियां, कितने आगे जो है वो तीसरी बार भी क्या लोकसभा में अब दोबारा से भी आएगी सरकार? में कम से कम उतरेगी। 10 सीटों पर हमारा अभी भी विजय अभियान पिछले 19 के कार्यकाल में चला, 24 में सीटें हमारी 10 होंगी, उसका मार्जिन बढ़ाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। और वो क्यों लड़ेंगे? क्योंकि केंद्र की 10 साल की सरकार ने देश के आंतरिक विषयों को लेकर, देश की सीमाओं के विषयों को लेकर और देश के सुदूर क्षेत्रों के अंदर राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए अपनी उपस्थिति जिस प्रकार से भारत दे पाया है या दुनिया में उसकी जो स्वीकृति हुई है, ये 3 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सफल नेतृत्व के लिए, अपने सफल 10 साल के कार्यकाल के लिए जनता से फिर एक बार जनादेश मांगेगी। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हूं कि कंफ्यूजन विपक्षी नेताओं में हो सकता है, जनता में नहीं है। जनता स्पष्ट है, वो जनादेश मोदी जी के लिए तीसरी बार तैयार है और उन्होंने करके दिखाया। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 10 साल नॉन स्टॉप इस देश को आगे लेकर चले हैं और उसी कारण से देश की जिन विषयों को लेकर कांग्रेस पिछले 70 साल से राजनीति करती थी उन सब राजनीतिक मुद्दों को समाप्त कर दिया। चाहे धारा 370 का विषय हो जिसको लेकर कहते थे कि खून खराब हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पसीने की बूंद नहीं आई। राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पूरी ताकत 20-25 सीनियर वकीलों को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया कि राम मंदिर नहीं बनेगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने राम मंदिर का निर्माण ही नहीं, उसका उद्घाटन अगले साल के आरंभ में हो जाएगा। जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाओं के लिए कांग्रेस के शासनकाल के दौरान साहबानों के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर उन्होंने एक गरीब दीनहीन अवस्था में मुस्लिम महिलाओं को छोड़ दिया था, जिनका नारकीय जीवन था, उनको 3 तलाक कानूनी प्रतिबंध लगाकर उनके जीवन में नई रोशनी पैदा करने की बात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया, सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं है, ये विचार था जिसको धरातल पर उतार के बताया। राजनीतिक पार्टियां नारा देती हैं, उसके इम्प्लीमेंट के लिए 3-3 चुनाव लड़ती हैं,
कांग्रेस के अभी अभी हम आपके पास दोबारा आते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ओकार सिंह से। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 अक्टूबर से परिवर्तन पद यात्रा जो है दूसरा चरण आपने शुरू किया है, तो क्या इनेलो की तैयारी क्या परिवर्तन लाने की है? देखिए नीता जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल लगातार संघर्ष में 24 फरवरी से जब से नू के सिंगार गांव से परिवर्तन पद यात्रा शुरू हुई, 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई, उससे जिस तरह का परिवर्तन नजर आया प्रदेश में, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बुखलाए। इनको नजर आया कि आप जनता बदलाव चाहती है, और वास्तव में बदलाव है इस बार, ये चाहे कुछ कह लें। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस तो आपसी गुटों में, इनकी आपस में ही रजामंदी नहीं तो जनता को क्या देंगे, इनकी आपस में लठ मिलट हो रही है तो जनता को क्या कांग्रेस शासन देगी। 10 साल का शासन कांग्रेस का देखा है जनता ने, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता है जो आपके पास आएंगे, जैसे इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी में खुद ही एकजुटता नहीं है, तो आपको इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस में अभी तक पर भी पेंच भी अभी लगा हुआ है। देखिए, कांग्रेस के अंदर क्या अंदरूनी समस्या है उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बात नहीं करती है किसी पार्टी की किस प्रकार से अंदरूनी समस्या है, कांग्रेस बात करती है जनता की समस्याओं की। कांग्रेस बात करती है कि किस प्रकार से गरीबों को आज कुचला जा रहा है, कांग्रेस बात करती है कि किस प्रकार से जो किसान है उनको किस प्रकार से भाजपा के शासन काल में 700 जो हमारे किसान थे वो शहीद हो गए थे दिल्ली बॉर्डर पर। तो कांग्रेस इन सब समस्याओं की बात करती है, कांग्रेस ये बात नहीं करती कि किस पार्टी का संगठन मजबूत है, किस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है, किस पार्टी का क्या अंदरूनी पेज है, किसका अंदरूनी पेज नहीं है। आप भाजपा के प्रवक्ताओं ने कुछ बातें करी थी, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जनता का जनादेश मोदी जी की उन्होंने बात करी, बहुत बढ़िया जनादेश था, ठीक है, हम सबने देखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत को ऊंचाइयों पर लेके गए। शायद वो भूल रहे होंगे कि शायद भाजपा के एक और प्रधानमंत्री भी था, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या वो नहीं कह रहे कि क्या वो ये कहना चाह रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई काम नहीं किया है? उन्होंने राम मंदिर, 370 सब कुछ बात गिना है, लेकिन आप जवाब दीजिएगा अंश जी का। जैसे उन्होंने कहा कि अटल जी की बातें कही हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही काम किया है, तो आप इनको जवाब दीजिए। कंप्लीट करने दीजिए एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने राम मंदिर 370 की बात कर ली, इनकी 9 साल से सरकार, इनकी जो पार्टी है वो 9 साल से सरकार में है, 9 साल से पार्टी सरकार में है। ताकत बनने का जो काम किया वो वर्षों तक कांग्रेस उस फाइल को दबाए बैठी थी, लेकिन हम पिछले इतिहास पर नहीं वर्तमान पर भी काम करना चाहते। कांग्रेस अपने इतिहास की बात करती, वर्तमान की बात नहीं करती। वो कहते हैं जिनकी जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं, अरे भले आदमी समस्याओं तो जब सुनने लायक हो गए, जब तुम्हें सुनने लायक छोड़ेगा कोई? तुम गुटों में बटे हुए हो, तुम्हारे जूतियों में खीर बट रही है, तुम सत्ता की बात करते हो, पहले अपना घर बसाओ, घर को ठीक करो, उसके बाद जनता की बात करो। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और उसने बेखूबी गरीब के लिए, किसान के लिए। और एक बात मैं और बता दूं, कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर चलती है जहां ठीक होने वाला है। ये ठीक हो रहा है या ठीक होगा या उसके कल्याण की बात आ रही है, जनता में भ्रम पैदा करने के लिए कांग्रेस उन विषयों को लेती है, चाहे किसान आंदोलन के समय उनका समर्थन हो जिससे किसान के नाते क्या होना चाहिए था। कांग्रेस ये कहती है, कोई नई पार्टी आएगी तो वो कहती है हम आएंगे तब क्या करेंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे 10 साल के कार्यकाल में जहां मैं बैठा हूं अहिरवाल के क्षेत्र में रोड नाम की चीज नहीं थी, हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था, 1000 फुट तक पानी चला गया था, पीने का पानी नहीं मिलता था, कनेक्टिविटी नहीं थी, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो नहीं थी, रोड नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। आज इस सरकार ने हमारे यहाँ नहरी पानी से फसलों को लहलाने का काम दिया, यहाँ के बेरोजगार युवकों को बिना खर्ची और बिरचा पर्ची के रोजगार देने का काम किया,
जी आपको रोकना चाहेंगे, हम रैली के बारे में बात करेंगे पहले कि जो अभी अमित शाह की रैली होने वाली है 2 नवंबर को, तो उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नई घोषणाएं होने वाली है, कि ये रैली सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही हुई है या फिर रैली 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हुई है? जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो दोनों चीजें होती है जी। हमने क्या दिया, आज हम क्या दे रहे हैं जी। कुछ नई परियोजनाओं के उद्घाटन, उनका समर्पण, उनका शिलान्यास, और हमारा विजन क्या है 2024 में हम किन मुद्दों के ऊपर आएंगे जी। ये तीनों विषय माननीय अमित शाह जी की रैली में होने वाले हैं जी। और एक मैसेज कि हमने अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच जाना है जी। हम जब सत्ता में नहीं थे तो लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते थे, जब हम सत्ता में आए तो लोगों ने क्या कहना शुरू किया, चाहे गरीब के राशन कार्ड की बात हो, उनके अकाउंट की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके बेहतर लाइफस्टाइल की बात हो जी। उन सब विषयों को, ऐसे ऐसे विषय, हरियाणा में हमसे पहले बिजली एक राजनीतिक मुद्दा होता था जी। आज हरियाणा में 24 घंटे बिजली का मुद्दा है, लोग कहते हैं लाइट कम दो बिजली कम आए। शास्त्री जी आपसे दोबारा आपसे जुड़ेंगे। अंश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए इन्होंने बात करी कि कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती है जो कि ठीक होने वाले हैं। हमने इन्होंने बात की थी सीमा केंद्र सरकार का जो था कि भाई सीमा पे आज हमने बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। चाइना आज हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है, चाइना आज हमारे सीमा के अंदर घुसा हुआ है, क्या ये जानते हैं? इन्होंने बात की दुनिया स्वीकृति की। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं सबसे पहले कि जो अभी ये रैली होने वाली है, जो आप ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं, तो उसका क्या संदेश है, क्या जनता के बीच में क्या संदेश, क्या कोई घोषणा होने वाली है या फिर क्या 2024 की ये लोकसभा चुनाव को लेकर रैली है, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही हैं? अब जो रैलियां होने वाली हैं, जो हमारे नेता करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो करने वाले रैलियां, उसका उद्देश्य साफ है कि जो भाजपा की जो कुशासन है कि किस प्रकार से 30 से ज्यादा पेपर लीक के मामले हो चुके हैं, कि किस प्रकार से भाजपा के राज में 2014 के बाद 65% जो है वो यौन शोषण के मामले बढ़े हैं, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। हम अपने जो 10 साल का सफल कार्यकाल रहा है उस 10 साल के सफल कार्यकाल को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता तय करेगी कि किसको चुनना है। जनता वैसे 2019 का चुनाव तो उन्होंने तय किया और भाजपा को गठबंधन करने की जरूरत पड़ी, अब इस प्रकार से जनता फिर से तय करेगी और इस बार तो जनता भाजपा का सफाया कर देगी, पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो मिलना चाहेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन लेना चाहेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे एस जी, आपसे ये जानना चाहेंगे ओकार जी कि जो ताबड़तोड़ 6 रैलियां लगातार की जा रही हैं जो कि 26 तारीख से 31 तारीख तक चलेंगे, उस पर क्या कुछ जनता के बीच में रहेगा? अंकिता जी पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पहले भी मेरे को टाइम नहीं दिया और अब मेरे को कम से कम टाइम जरूर देना। देखिए ये जुमले और जुमेलों की पार्टी सिर्फ बातें करने वाले हैं, इनका 9 साल का शासन हरियाणा में पूरा हो चुका है और 10 साल पूरे होने को है प्रदेश में। इन्होंने किया क्या 9 साल में? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक मामले सब टॉप पे चले गए, हरियाणा टॉप पे चला गया इन सारे मामलों में। अब ये चाहे रैली कर ले चाहे कुछ कर ले, जनता के दिलो दिमाग से बीजेपी उतर चुकी है। हरियाणा की जनता एक बार धोखा खा गई थी 2014 में, 2019 में उन्होंने इनको नीचे उतार दिया था, 40 सीटें दी थी, हमारा दुर्भाग्य था बाहर में होगी एक सीट रह गई, लेकिन बीजेपी को 40 मिली थी, 50 विपक्ष में गई थी। ये तो कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जिन्होंने बीजेपी के विरोध में वोट ली थी, जिन्होंने कहा था ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जिन्होंने कहा था इनको जमुना पार पहुंचेंगे। शास्त्री जी आपको वापस 2 पे पूछाएगी, 2009 में आपकी 2 जीते थी। आपका ये कहना है कि 2024 में आपकी पार्टी बनेगी या फिर बीजेपी चली जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, बीजेपी अपने बल बूते पर सरकार बनाएगी, परिवर्तन पद यात्रा जो अभी चौटाला जी ने शुरू की है, अब परिवर्तन रथ यात्रा चल रही है, तो इसके बाद एक और यात्रा आने वाली है। आपको क्या लगता है कि पद यात्रा जो है ये काफी सफल रहेगी और क्या कुछ आपकी घोषणाएं, क्या जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप वोट मांगेंगे? अंकिता जी सफल रहेगी नहीं, सफल रही है। 7500 रुपए पेंशन करने का वादा, प्रत्येक घर में एक रोजगार देने का वादा है, और रोजगार ना देने की स्थिति में शिक्षित बेरोजगार को 21,000 रुपए प्रति माह
ये सरकार तो लूट रही है युवाओं को। इसके अलावा हर घर एक गैस सिलेंडर और 1100 रुपए महंगाई खर्च का पूर्ति के लिए दिया जाएंगे। प्रत्येक घर में एक रोजगार के साथ साथ जब हमारी सरकार आएगी जो बिजली के मीटर। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो रैलियां अभी आप 6 दिन करने वाले हैं, 26 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 31 अक्टूबर को खत्म होगी जिंद में जाके, तो इस पे ये जो परिवर्तन पदयात्रा कार्यक्रम है इसका क्या अनोखा जो चीजें हैं, आप क्या जनता के बीच में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जनता के बीच में जाके कि 2024 में आपकी ही सरकार आएगी? जैसे आपने बोला कि बीजेपी पार्टी जो है वो हार जाएगी, उसको वोट कम देगी जनता, तो इस पे आपका क्या कहना है? जो ये रैलियां हैं वो 6 रैलियां जो 6 दिनों की रैलियां हैं आपकी, उस पे क्या है आपका? अंकिता जी, ये बीजेपी वाले जितनी मर्जी रैलियां कर ले, जनता के दिलो दिमाग से उतर चुकी है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता राजा को रंग को रंग को राजा बना देती है। आज जनता का मूड बिल्कुल परिवर्तित है। जनता को मालूम है अगर SYL का कोई पानी ला सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल ला सकती है। ये कांग्रेस और बीजेपी, इनकी पंजाब में, हरियाणा में और केंद्र में कितनी बार सरकार रही, क्या इन्होंने कोई कार्य किया? अगर प्रदेश का भला कोई पार्टी कर सकती है, रोजगार दे सकती है, तो क्षेत्रीय दल दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय दल का राष्ट्रहित हो जाता है सबसे ऊपर। ये दिल्ली को अहमियत देते हैं, हरियाणा को नहीं देते, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ हरियाणा के लिए काम करेगी। और जैसे पहले लोकदल की सरकार के समय सरकार आपके द्वारा आती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने इतने सारे मुद्दे रखे। और बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता ओंकार सिंह जो है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के चक्कर में हम आपसे ज्यादा बातें नहीं कर पाए, तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये जो रैलियां हैं वो 2024 में कितना प्रभाव डालती हैं। फिलहाल आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही।